करने वाले थे, तुम हमें हॉस्पिटल क्यों लेके आई हो? टेंशन मत लो, चलो। गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग, वुड लाइक टू डोनेट ब्लड। तभी तुमने लेक्चर ना देकर नाश्ता करने दिया, मैं नहीं दूंगी। सुनो पिंकी, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन खून बांटने से सिर्फ खुशी मिलती है। ऐसी खुशी नहीं चाहिए। मैम, वी नीड बी पॉजिटिव ब्लड फॉर पेशेंट इमीडिएटली। डू यू गाइस हैव बी पॉजिटिव? यस, वन सेकंड। डैडी, अर्जेंटली क्यों बुलाया? क्या बात है, तुम सब लोग ठीक तो हो ना? हमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप नहीं छोड़े जाओगे? फिर ब्लड देना है? तुम ये क्या करती हो? शूटिंग कोऑर्डिनेशन में कितना टेंशन होता है मालूम है? वहाँ लोकेशन पर बाबू भाई नाच। अंकल, शूटिंग कोऑर्डिनेशन से पैसा मिलता है, ब्लड डोनेशन से पुण्य मिलता है। ये पुण्य मुझे हर महीने मिलता है, मगर कमाई तो 6 महीने में एक बार होती है। पुण्य का फल भी तो मिलेगा। इज ही द डोनर? यस ही इज। प्लीज सर, प्लीज कम विद मी। डोंट वरी अंकल, कुछ नहीं होगा, हम यही है। खून निकाला 1 किलो और पकड़ा दिया 200 ग्राम का सेब। अंकल भी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव ही तो निकाला है बेटा। देखिए अंकल, भलाई दीवार पर मारी हुई एक गेंद है, जब लौटती है तो डबल खुशी लाती है। ऐसा नहीं होता बेटा, लास्ट मंथ एक प्रोड्यूसर के लिए मैंने 1000 यूरो उधार लेकर दिया था, आज वो मेरा फोन नहीं उठाता। आज कल दीवार पर गेंद मारो तो वो लौटती नहीं है बेटा, चिपक जाती है, खींच कर निकालनी पड़ती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हेलो, हाँ आ गया क्या? थैंक्स सर। क्या हुआ अंकल? उसी प्रोड्यूसर का फोन था, उसने पैसा चुका दिया है। मैंने कहा था ना, इस बार गेंद लौट आई। तुम दोनों अपने डैडी से कुछ सीखो, खून तो वही है पर अकल नहीं है। इनका ग्रुप अलग है बेटा, मेरी तरह इनका दिल बड़ा नहीं है। अरे हाँ, मर गया, कहीं ये गुर्दा नहीं मांग ले। दिल से याद आया, आज वर्ल्ड हार्ट डे है, एक बच्चे का ऑपरेशन करवाना है। सॉरी बेटा, उन्होंने खून निकाला है, तुम दिल मत निकाल लेना। वो आया और मदद करके चला गया, पता नहीं दोबारा मिलेगा भी या नहीं। नहीं मिलूंगा दोबारा। तुम भी यही चाहती हो ना बबली? तुम मेरे बिना खुश रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से नहीं, मैं तो इस दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता हूँ। गुड बाय। हेलो, हाँ आप ही को बोल रही हूँ, स्टॉप, हिलना मत, मैं आ रही हूँ, आगे मत जाना। रुको, क्यों आ रही हो तुम? मैं मरना चाहती हूँ। इस तरफ आइए। क्या कर रही हो? क्यों रोका तुमने? आपने उस दिन अनजाने में मेरी चैरिटी के लिए काफी हेल्प की, तो अब मुझे धकेलने में तुम मेरी हेल्प करो ना। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप, एक दिन मेरे साथ रहिए। सॉरी, मैं उस टाइप का नहीं हूँ। हेलो, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो। अरे ये आदमी है कि घन चक्कर, मैं जा रही हूँ। पर तुम्हें मेरे साथ दिन गुजारना था ना। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने के 1000 रीजन दूंगी, जिससे आप खुदकुशी का ख्याल खुद ब खुद छोड़ देंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे पास खर से बनने वाला शब्द नहीं है, एक दिन मरने का ख्याल छोड़ दीजिए। ओके ओके, चलता हूँ। मेरे मरने के ख्याल से अगर तुम मर गई तो तुम्हारी बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाऊंगा? थैंक यू जी, मैं बच गई। लोग मरने वालों की इच्छा पूरी करते हैं, यहाँ मरने वाला तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ, बट ऑन वन कंडीशन। क्या कंडीशन? अगर तुम मेरी लाइफ में होप ना क्रिएट कर सकी तो तुम खुद मुझे यहाँ कल ड्रॉप करोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा कंगाल कर चुकी है। ओके डन, अगर बबली बदमाश नहीं मिली तो दुखी मत हो, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी बड़ी प्रॉब्लम से लड़ने वाले एक इंसान के बारे में बताती हो तुम्हें? उसे किसने परेशान किया? भगवान ने किया। 3 साल की उम्र में माँ गुजर गई और 13 साल की उम्र में पिताजी, और 23 साल की उम्र में इतना गैप नहीं था, अगले ही साल उसके अंकल आंटी भी गुजर गए। अरे बाप रे, इतने लोगों को खाकर वो अब भी जिंदा है, कौन है ये राक्षस? अब क्या बताऊँ, मैं पहाड़ की चोटी पर योगा करने गया था, पैर छूने झुका, उसे लगा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और वो मुझे अपने घर ले आई, काम न धाम मस्ती है, लाइफ हो गई है फुल हैप्पी। लगता है कोई आया है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मुकुल। एनी प्रोग्रेस? आपके इंस्पिरेशन से मेरे मरने की इच्छा अब जीने में बदल गई है, मैंने भी अपने अंदर आपकी तरह दूसरों की मदद करना सीख लिया। वेरी गुड, तो फिर तुमने क्या किया बताओ? चर्च जाकर पुअर चिल्ड्रन को पास्ता बांट कर आया मैम। पास्ता बांट के आए? इंडिया में दान में जैसे रोटी फेमस, इटली में भिखारियों में पास्ता फेमस। वेरी नाइस, और फिर? फिर बगल वाली को गोद में लिया। मुकुल! मेरा वो मतलब नहीं था मैम, वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तुमने कुछ किया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो स्लिप हो गई थी। वो क्षण परम आनंद का था। मैं आपकी आत्मकथा के दूसरे चैप्टर पर हूँ, आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम, बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। मुकुल, मुझे तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, तुम लिखते रहो। खिलौनों की दुकान खोली है जो तू गेंद बेच रहा है? हे, मैडम की गेंद की फिलोसॉफी नहीं जानता तू? ये मूर्ख कौन है? ये है रामराज, वनवास जाए, आत्महत्या कर रहे थे, लवर ने चीट किया। मैडम क्या हुआ? मुझे बबली बदमाश की याद आ गई मैडम, मैं जा रहा हूँ। अरे रुको। नहीं नहीं मैडम, मुझे घबराओ मत, नहीं मैडम मैं जाना चाहता हूँ। मैडम कुछ नहीं होगा, मैडम मैं मरना चाहता हूँ, जल्दी टीम के नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बात नहीं करते, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, छोड़ दो मैडम, जाने दो इसे, वो कहीं भी जाकर मरे। मुकुल
मैं ऐसा सोचती तो तुम होते यहाँ? सॉरी मैडम, सॉरी। ये रात को यही रुकेंगे, समझ गए? मैं क्या करूँ? तुम इनका ख्याल रखोगे। ओके। मेरी मिसालें, मेरी फिलॉसफी, इन्हें समझाओ, इनमें जिंदा रहने की आस जगाओ, समझ में आया? ये अभी मर जाएगा। समझ गया मैं। देखो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, पता है क्यों? ताकि गलती हो जाए तो मिटाकर सुधार सके। अब बड़े हो गए हैं तो पेन से लिखते हैं, गलती करने का नो चांस। बवाल थॉट है मैम। मैम अगर आप कहें तो मैं ये पेंसिल वाली बात इसमें डाल दूं। मुकुल, ऐसी मेरी कितनी बातें लिखते रहोगे। अच्छा लिख लो रामराज। मैम, मैंने जो कहा उसके बारे में रात भर सोचते रहना। पेंसिल के बारे में मैम? करेक्ट। अच्छा मैं सुबह मिलती हूँ। रात को बबली की याद आ गई तो मिस्टर मुकुल विल टेक केयर। ठीक है ना मुकुल? बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। आई विल मिस यू मैम। गुड नाइट। कौन है तू? आत्महत्या करनी है तो चला करके दिखा। चल, भोली भाली लड़की को बेवकूफ बनाता है, खाल खींच लूंगा। दारू कहाँ है? कौन सी दारू? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देखकर कैरेक्टर भी बताता हूँ। चालू चीज है। क्यों बे, पूरी फैमिली मर गई? कोई नहीं मरा, सब जिंदा है। देख मुकुल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे जरूरत है जानकी की। 10,000 यूरो, आज से तू मेरा आदमी है। आपने मुझे खरीद लिया। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैम मिसाल कमाल की है, घर जाकर आत्मकथा में घुसा देता हूँ। बंद करो, जानते हो ना मुझे तारीफ पसंद नहीं है। अच्छा लिख लेना। देखो राम, प्रॉब्लम एक गेंद की तरह होती है, उसे आंखें खोलकर पास से देखोगे तो बड़ी दिखेगी, अगर दूर फेंक दोगे तो छोटी दिखेगी। गेंद तो हाथ से फेंक दूंगा पर बबली को उठाऊंगा कैसे? वो तो भैंस जैसी। तो ये बात है, तुम्हें बबली बदमाश से प्यार नहीं नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। गेंद की हवा निकलती है, नफरत की हवा कहाँ से निकालूं? जानकी के पास सब सॉल्यूशंस है। मुकुल यहाँ आओ। यस मैम। समझो ये बबली बदमाश है, सारी भड़ास निकाल दो। मैम मैंने ब्रेकफास्ट हैवी किया है और नहीं खा सकता। ये ट्रीटमेंट है, प्लीज कोऑपरेट। रामराज अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। ले ली ना, अब बबली बदमाश की सारी बदमाशियां याद करो, याद करो, याद करो। कम ऑन, गुस्सा लाओ, गुस्सा लाओ। अब आंखें खोलो। तुम आ गई बबली बदमाश हैं? मैम तुमने बहुत टॉर्चर किया है मुझे, अपना तो नहीं माना पर मुझे अपना नौकर बना लिया। जब भी तुम अपना घर बदलती थी तो सामान ढोने के लिए मुझे कुली बनना पड़ता था। जब भी तुम्हारे घर में मेहमान आते तो खाना मुझसे पकवाती थी, मैं उनके झूठे बर्तन धोता और तुम सब मेरे पैसों से ऐश करते। गणेश, रमेश, सुरेश, प्रकाश सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देखती थी तुम, और मुझे घंटों थिएटर के बाहर खड़ा रखती। भाई क्या वो अभी इटली में है? सॉरी मैम। ये फोन दो मुझे। मेरे दिए इस फोन से दूसरों के साथ इश्क फरमाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तू भी जब फाड़ दे। मैम ये क्या हुआ? ये तो कमाल हो गया, मेरी सारी नफरत चली गई और मेरा फोन ले गई। तो क्या हुआ, फोन ही था ना? रामराज का गुस्सा चला गया, बहुत बड़ी बात है। मैम हाँ? एक ही दिन में मरने का ख्याल चला गया, 10 दिन साथ रहेंगे तो जीने की राह भी ढूंढ लूंगा। प्लीज मैम। दीदी 10 दिन तक खाली नहीं है, उनको इंडिया वापस जाना है। मैं इंडिया जाऊँ तब तक रामराज हमारे साथ रहेंगे। दीदी इनकी तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए, इन्हें गेंद जीने के लिए चाहिए। एग्जैक्टली मैम, आप हर गेंद को विकेट कीपर की तरह झट से लपक लेती हैं। हाय, मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने लटकता भूत, भूतनी ने मारा पिशाच, फुटबॉल खोपड़ी का इस तरह की डराकर हंसाने वाली फिल्में बनाई है। तो चलिए बात करते हैं भूतिया नागनासुर जी से। नागनासुर जी नमस्कार। नाग जी, लोग जब स्टोरी लिखते हैं तो वो किसी हिल स्टेशन या विदेश में जाकर लिखते हैं, आप कहाँ जाते हैं? भूत मंडली के बीच में। What? Yes. मैं स्टोरी सेटिंग भूत लोगों के साथ करता हूँ। डायरेक्टर को स्टोरी के साथ मिलकर लिखनी चाहिए, भूतों के साथ क्यों? राइटर्स बात नहीं समझते, भूत लोग समझ जाते हैं। सुना है कि आपकी हर फिल्म की हीरोइन से आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का तरीका है, मेरे चक्कर चलाने से वो मुझ पर इतना चिल्लाती है कि एकदम भूतनी जैसे लगने लगती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं कि वो जहाज के कप्तान हैं, आपकी क्या राय है? ये बकवास है, मेरे हिसाब से डायरेक्टर जहाज का कैप्टन या टैक्सी का ड्राइवर, हवाई जहाज का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर? जो डायरेक्टर सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेबों से पैसे चुराए, ऐसा चोर। इतने गंदे ख्याल हैं आपके। सुना है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली के विलन का कैरेक्टर माफिया डॉन येड़े रॉबर्ट की जिंदगी से लिया गया है। यस, चोर अंधेरा साला। तो जो भी आपने फिल्म में दिखाया वो सच है। आपके लिए येड़ा रॉबर्ट एक डॉन होगा, पर मेरी खोज ये कहती है कि वो एक फनी आदमी है, एक ब्रोकर, जोकर, लोफर, डफर। एक्चुअली वो अपने इनिशियल डेज में कुत्तों की खुजली साफ करता था, और जैसे ही उसके बॉस का बुरा टाइम आया तभी उसका टाइम बदला और वो डोंकी से डॉन बन गया। उसने कभी आपको धमकी भरा फोन नहीं किया? हाँ, एक बार 4 करोड़ की मांग की थी उस गधे ने।
मैंने कहा कि तेरे पिछवाड़े में रॉकेट लगा के आग लगा दूंगा और उसने डर के मारे फोन ही काट दिया। सर आपकी अगली फिल्म भूत की खुजली पार्ट टू। पार्ट वन तो फ्लॉप हुई थी, इसीलिए तो मैं पार्ट टू बना रहा हूँ। ये भी हुई तो पार्ट थ्री बनाऊंगा। ऑडियंस जरा बच के पार्ट टू आ रहा है। तो ये थी नाग नासू जी से एक खास मुलाकात। I want his phone number. ये एंकर मेरा बचा कुचा दिमाग खा गई। हेलो, येड़ा रॉबर्ट बोल रहा है। सर जरा तेरे येड़े डायरेक्टर को फोन दे। हाँ अभी देता हूँ सर। मेरे फोन से लड़कियों पटाते रहते हैं। लड़की नहीं है, कोई और है। येड़े रॉबर्ट का फोन है। फोन काट तू क्या? अबे हट सर। हाँ रॉबर्ट क्या बोल रहे हैं? क्या बक रहा था? क्या बक रहा था टीवी पर? ऊपर नीचे से तेरे को दोन छोटा कर देगा। अबे गलीस, दो दिन के बाद शूटिंग इटली जा रहा हूँ। तेरे पास अगर गुंडे हैं, उनके गन में गोली है, टिकट का पैसा भी है, तो वहीं भेज देना। अभी तेरे भागा, अभी तेरे भागा। ये क्या सर, आपको ऊपर जाने की इतनी जल्दी है क्या? माफिया से ऐसे बात करते हैं? ए, माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, मतलब जमीन के नीचे। मिट्टी में लौटने वालों से कैसा डर? जब मैं ऊपर वालों की इज्जत नहीं करता, उन्हें ठेंगे पे रखता हूँ, तो नीचे वालों को तो गटर में ही भेजूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? वो क्या है कि डायरेक्टर भूतिया नाग नासुर आए हैं, उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय विमल कौसर भी यही है। कैन यू प्लीज मैनेज? नो प्रॉब्लम अंकल, मैं संभाल लूंगी। थैंक्स बेटी। मुकुल लेट हो रहा है, मैम के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ बाबा, पर एक बात जान लो, जानकी मैडम को पटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। नामुमकिन काम करने में ही मुझे मजा आता है। आपको तो लोगों की पिचकी गेम में हवा भरनी है, आप फिल्मों में कहाँ फंस गई? रामराज, इस काम के पीछे मेरा अलग स्वार्थ है। स्वार्थ? और आप? मैं नहीं मानता। मेरा अपना स्वार्थ नहीं, सामाजिक स्वार्थ। सुनने में अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब? एक दिन मैंने टीवी पर इस डायरेक्टर का इंटरव्यू देखा। बहुत ही घटिया बात करता है। इसके दिल में औरतों के लिए इज्जत ही नहीं है, बच्चों के लिए प्यार नहीं है, समाज के लिए जिम्मेदारी ही नहीं है। सेक्स, वायलेंस, भूत, चुड़ैल, कितना डरावना है। इसलिए अगर इसकी सोच बदल दें और गेंद की फिलॉसफी पे फिल्म बनवा लें, तो पूरी दुनिया में पहुंच जाएंगे, क्योंकि सिनेमा बहुत पॉपुलर मीडियम है। बिल्कुल करेक्ट। सिनेमा ने ही हमें शादियों में नाचना सिखाया है, पेड़ों के पीछे छुपकर गाना सिखाया है। पीछे खंजर भौंकना भी तो। तुम चुप रहो, हमेशा बेतुकी बातें करते। सॉरी मैम। डायरेक्टर आ गए। सूर्या। हाँ सर। कोऑर्डिनेटर गोपी से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना हो। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। वो कहाँ है? सर एक्चुअली मर गया क्या? मरे नहीं है सर, उन्होंने आपको संभालने के लिए हमें भेजा। अबे मैं क्या मरीज हूँ? सर बैठ कर आराम से बात करें। सर ये है मिलान की लोकेशन। सूरज जी सर, ये राज शेट्टी की फिल्म की क्या रिपोर्ट है? डब्बे में गई है सर, लोगों ने अपने टिकट के पैसे वापस रखवा लिए। सब गाली दे रहे हैं हीरो और डायरेक्टर दोनों को। हेलो, क्या हाल है राज? मैं भूतिया नाग नासूर बोल रहा हूँ इटली से। हाँ भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? अरे क्या हाल होगा बॉस, तेरी फिल्म ब्लॉकबस्टर है। क्या? यहाँ के खरीदारों ने भगवान की फोटो हटाकर आपकी फोटो लगा रखी है। ऐसा क्या? तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर। तब तक मैं अपनी अगली फिल्म की कहानी लेकर आता हूँ। मिलता हूँ राज, लव यू। थैंक यू भूतिया जी, लव यू। यहाँ के लोग ना हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जो फिल्म इतनी बुरी तरह से पिट गई उसे आप हिट कह रहे हैं? इसे 3 महीने बाद फ्लॉप का पता चलेगा, तब तक ये हमें जल्दी ही डेट दे देगा। मरा हुआ हीरो भी 1.25 लाख का होता है। जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बनाए सूरज। सर स्टोरी की रिक्वायरमेंट्स मुझे बताइए तो मैं आपको लोकेशंस बता सकूं। मेरी रिक्वायरमेंट है स्टोरी। बिना स्टोरी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन देख के स्टोरी बनाऊंगा। तो समझ लीजिए आपको स्टोरी मिल गई सर, मेरी मैडम के पास रेडीमेड स्टोरी तैयार है, आप उन्हें एक बार चांस तो दीजिए। जुबली हिट स्क्रिप्ट है तो सुनाओ जुबली हिट स्क्रिप्ट। रेडी सर। एक बार की बात है, हीरा नगर के पास सोनापुर गांव में एक करोड़पति रहता था। नाम करोड़ीमल था क्या? नहीं सर, फकीर चंद था। ओ। एक करोड़पति होने के बावजूद उस इंसान की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि वो सबकी सेवा करे। उसने करोड़ों की जायदाद से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, सुलभ शौचालय, मंदिर, स्कूल, सड़कें, तालाब और बहुत कुछ। और जब उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा ना, तो वो अपने एक जोड़ी कपड़े में एक झोपड़ी में रहने चला गया। अभी नाम जस्टिफाइड हुआ, फकीर चंद। इतना ही नहीं सर, इस स्टोरी का एक अच्छा सा टाइटल भी सोच रखा है। वो क्या है? फकीर जायदाद लुटाकर बन गया अमीर। टाइटल है कि कहानी, भिखारी बन गया अमीर। अगर मैंने ये फिल्म बनाई तो भिखारी कोई बने ना बने, मैं जरूर बन जाऊंगा। अरे सूरज सर, इनकी बकवास स्टोरी सुनकर एक ऑस्कर विनिंग स्टोरी स्ट्राइक कर गई है, एक भूतनी का प्यार। इस कहानी का हीरो लूला लंगड़ा है और हीरोइन भूतनी। हमारे फर्स्ट सीन में हमारे सिक्स पैक विलन मोगैम्बो को हमारा हीरो गर्दन पकड़ कर पटक देता है। कट्टू जमीन पर विलन लहू लोहान है, टिल्टप ऊपर देखते हैं डिस्को गाना। लंगड़ा हीरो नाचेगा कैसे? वो डांस डायरेक्टर देखेगा तू क्यों टांग रहा है। कट करके दिखाते हैं हमारा दूसरा विलन जंबो, हीरो पत्थर उठाकर भचाक 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 विलन को मारता है, उसका खून बहता है जैसे चॉकलेट। कट्टू कॉमेडी सीन। लूला पत्थर उठा के कैसे मारेगा? अबे एक हाथ तो है ना उसके पास, लगता है ये फालतू फिल्म नहीं देखता है क्या? अब तीसरा विलन जंबो, जिसे भूतनी घसीट कर लाती है और जमीन पर गिरा देती है और उसकी छाती पर चढ़कर गाती है, एक भूत बदनाम हुई लल्लू तेरी खातिर। कट टू फाइट।
अभी तक कॉमेडी हो रही थी। तुझे समझ में नहीं आई, ये हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ये कौन से टाइप की फिल्म है? भूतिया फिल्म ऐसी होती है, कहानी घटिया नहीं होगी तो इंडिया में चलेगी कैसे? और बेवकूफी कब आएगी? यहीं तक सोचा है, बाकी की बेवकूफी रात को सोचूंगा। ये क्या दीदी, आप आज बिना अच्छा काम किए खा रही हो, और वो भी बिना किसी का इंतजार किए बेशर्मों की तरह। अब मैंने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया है कि अब मैं बिना कुछ किए भी खा सकती हूँ। अच्छा, क्या है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट? अरे एक नहीं कई हैं। मरते हुए पीटर को बिजनेसमैन बना दिया, जेब कतरे जेम्स को मिलान में फेमस कर दिया, और वो भिखारी जैसा दिखने वाला मुकुल है ना, उसे राइटर बना दिया, और वो रामराज डरपोक, उसने उन गुंडों से लड़ाई में ऐसा करिश्मा दिखाया कि सब डर डर के भाग गए, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मोटिवेशन। अब मैं ये सोचती हूँ कि अगर इतनी पावर है मुझ में तो मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। शुरू हो गई। अन्ना हजारे टाइप का मूवमेंट क्रिएट करूंगी, सबको बिजली मिलेगी, पेट्रोल के दाम कम होंगे, शराब पर रोक लगेगी। किस किस को रोकोगी? लोग सत्ता में आके अंधे हो जाते हैं, पर तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रहे चिकन पार्टी को तो रोको। क्या बात कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें बेवकूफ बनाकर वहाँ पार्टी कर रहे हैं और बैठ के दारू पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शिष्य ऐसा नहीं कर सकते, दिखाओ मुझे। अगर तुम वो कुंफू की करामत नहीं दिखाते तो हम तो कब्र में बैठ के दारू पी रहे होते। उस पागल मैडम की बेवकूफी ने तो आज हमें मरवा ही दिया होता। वो उनके लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे। बबली ने भेजा था। वो कौन है? अरे राज साहब, आप ही तो हमेशा बबली बदमाश के नाम की माला जपते रहते हैं, कौन है वो? जब दुखी मर्द को देखती हैं तो लड़कियां ज्यादा हमदर्दी जताती हैं, इसीलिए मैंने हवा में से ये कैरेक्टर क्रिएट किया। तुम्हारे अंदर फाइटर, डांसर और राइटर भी घुसा हुआ है, क्या बेवकूफ बनाया। मुकुल बोलो, तूने बबली को भुलाने के लिए ये पिलाया ना, तो फिर उसकी याद क्यों आ रही है? पर पर्पस तो यही था। लेकिन पर्पस तो फेल हो गया। तेरे दिल की चोट गहरी होगी इसलिए। अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई लड़कों ने चोट खाई है। अगर मैं गरबा में उससे ना मिला होता और दिवाली तक उसके लिए ना रोया होता तो मेरी लाइफ भी हैप्पी होती। मतलब तेरी लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है? सिर्फ मेरी लव स्टोरी में नहीं मुकुल, कई लोगों की लव स्टोरी में गरबे का बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद लड़का लड़की कॉफी पीने के लिए जाते हैं, फिर लड़की लड़के से सिनेमा दिखाने की जिद करने लगती है, लड़कियां मुझसे हीरो जैसा बिहेव करने कहती हैं और जीने मरने के वादे करती हैं। चाय पत्ती कलर का ये चेहरा किसी एंगल से हीरो जैसा लगता है, फिल्मों ने बर्बाद कर दिया है। और ये अत्याचार क्या कम था कि सोशल नेटवर्क भी आ गए, ऐसा जाल बिछाया है और इस जाल में सारे लड़के फंस गए। ये लड़कियां कभी कोई बुक पढ़े ना पढ़े लेकिन फेसबुक जरूर पढ़ती हैं, लेकिन वहां भी लड़कों को उल्लू बनाती है। हद है यार, नाम कनिष्का, फोटो अनुष्का, नाम संगीता, फोटो समांथा। हमारे देश के बर्बादी की असली वजह ये इलेक्शन, करप्शन, 2G 3G बिल्कुल नहीं है, बस सिंगल जी है, जी फॉर गर्ल्स। ये पब, क्लब, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते। अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती, अगर एक दिन, बस एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाए ना, तो हमारा इंडिया अमेरिका से 30 गुना ज्यादा अमीर हो जाएगा, ये मेरा दावा है। राज साहब, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? सारी लड़कियां ऐसी होती हैं। एक को छोड़ के। कौन राज साहब? जानकी मैम। हमारी मैम लेडी नहीं है, बॉय है। लेडी बॉय है जी? जी, देवी है, जी फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को ध्यान से देखा है? मैंने तो मैम का बस चेहरा देखा है, इतनी गहराई में कभी गया ही नहीं। मॉडर्न ड्रेस में वो हीरोइनों को मात दे देती है। सच्ची? और बनारसी साड़ी में तो देवी महालक्ष्मी लगती है। उस देवी के पुजारी होकर हम शराब कैसे पी सकते हैं? जब उन्हें पता चलेगा तो उनका शीशे जैसा दिल टूट नहीं जाएगा। ठीक कहा बॉस, मैम महालक्ष्मी है तो इनकी पिंकी उनकी सखियां, वो तो सदमे से मर जाएंगी। छी छी, तेरे कहने पर मैंने फर्स्ट टाइम पी है, मैंने ठान लिया है कि ये मेरा लास्ट टाइम है। महंगी वाली थी। देखो इनकी सच्चाई, बहका दिया। कैरेक्टर से बाहर आओ। मैम की तारीफ करनी थी तो सीधे तारीफ करनी थी, खाम खा दुनिया की सारी लड़कियों को लपेट लिया। अगर लड़की को पटाना हो तो उसकी तारीफ करने के बजाय दूसरों की बुराई करो, उसे ज्यादा अच्छा लगता है, समझ गया ना? चल अब दूसरी बोतल निकल। कहाँ से लाऊं, फोड़ दी ना तूने? पागल है तू, सोडा बोतल फोड़ी है, दारू की बोतल नहीं। अच्छा, तुम तो महान आत्मा हो। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, और एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैर से मसल कर तेरी मसाकली बना दूंगा। वन मोर। क्या हुआ? सूरज मेरा वाला दिखा, आई विल शो यू। जैसे खाने में मूंगफली, जैसे नाच में कथकली, जैसे जानवरों में छिपकली, वैसे एक्शन में मैं मोहम्मद अली हूँ। मुझसे बच के जाएगा कहाँ? तुझे खोज कर पैरों में कुचल कर तेरी मसाकली बना दूंगा। That's it, boss. Hey!
क्या कहता है प्रोड्यूसर? कह रहे हैं अगली फिल्म में आपको डायरेक्टर कम हीरो बनाएंगे। अरे मजाक मत कर, उससे कहो कि वो पैसे लगाए, मेरे काम में टांग मत अड़ाए। हाँ बताओ तुम्हें कैसी लगी बेबी? सुपर्ब है सर, माइंड ब्लोइंग। क्यों रामराज? करेक्ट मैम, अगर डायरेक्टर की तरह आर्टिस्ट 10% भी कर लेना तो फिल्म सिल्वर जुबली हो जाए। क्यों मुकुल? हाँ बॉस, डायरेक्टर वो गधा है जो सबका बोझ उठाए। तुम तारीफ कर रहे हो या मजाक उड़ा रहे हो? सर आप कल इंडिया वापस जा रहे हैं? तुम साथ चलो तो आज ही चले जाओ। नहीं सर, हमारा रामराज बहुत अच्छा डांसर है। इस रामराज को सही काम मिले तो ये बड़े बड़ों की छुट्टी कर सकता है। तुम्हारा टैलेंट मैं जानती हूँ रामराज। तू कौन है? इसकी चमची है जो इसकी तरफदारी कर रही है? फिल्म इंडस्ट्री में आना सिनेमा हॉल में घुसना जितना आसान है क्या? यहाँ अकलमंद लोग आते हैं, शांति भाई शाह, राकेश घई, राजकिशोर हिरानी, करण बाबू जौहर, जहरीला नाग प्रसाद, ऐसे महान लोग हैं इंडस्ट्री में। तेरे जैसे तू खेरे नहीं। शट अप। ए सूरज, क्या करेगा वो? क्यों है बुड्ढे? कौन है रागेरा? तू है नथु खेरा, सिनेमा पर कलंक है तू। समझता क्या है? राजकिशोर हिरानी कहाँ और तू कहाँ? राजकिशोर हिरानी की किसी एक फिल्म का नाम तो बता। तब तक थी जान। अबे ये फिल्म महेश चोपड़ा की आखिरी फिल्म है। महेश चोपड़ा, महेश चोपड़ा। मैडम मैडम शांत हो जाइए मैडम, आप इमोशनल हो गई। ए ये लड़की है इसलिए छोड़ दिया, वरना काम तमाम कर देता। मेरी वाली वीडियो देखी है ना? एक और मारो। राजकिशोर हिरानी की फिल्म के नाम पे तू महेश चोपड़ा की फिल्म बता रहा है? अब मुझे महेश चोपड़ा की फिल्म का नाम बता। तब तक थी जान, इसी पर तो मारा था तूने। दूसरी फिल्म का नाम बता। वो थी गुंडे ऑफ वसेपुर। गुंडे ऑफ वसेपुर? हाँ, नहीं थी। इस फिल्म का डायरेक्टर है अनिरुद्ध कश्यप। तू तो इंडस्ट्री का विकिपीडिया है गुरु। उससे भी ज्यादा। इससे ज्यादा? अच्छा तो तू मुझे ये बता कि नई जंजीर फिल्म में तेजा का रोल किसने अदा किया है? अजीत साहब ने, और किसने? करेक्ट आंसर तेरे पे मारता है। तू पुरानी फिल्म की बात बता रहा है। उस फिल्म में विलन अजीत तेजा बना था, लेकिन नई जंजीर में रामचरण तेजा फिल्म का हीरो है। ये कौन है? चिरंजीवी का बेटा। रामचरण तेजा का नाम तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। क्या? रामचरण तेजा को नहीं जानता? रामचरण तेजा को नहीं जानता? मैडम मैडम क्या कर रही है? मैडम 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 का मूड खराब कर रही है। चलिए चलते हैं मैडम। सूरज, ये सब तो मेरी धोबी की कुत्ते की तरह पिटाई करके चले गए। बिल्कुल आपकी फिल्म की तरह। अपनी अपनी जगह ले लो। अरे उठो उठो, घंटी बज गई। जल्दी उठो, जिम की घंटी बज गई। अरे उठिए ना, जिम जाने का वक्त हो गया है। इटली नहीं है ये, लेट होने पे भैया बैंड बजा देंगे। उठ भी जाओ। अरे ये घर है या जेल खाना? पुलिस एकेडमी की प्राइवेट ब्रांच खोल दी है, इन सब से बचने के लिए ही तो मैं इटली गया था। जल्दी से तैयार हो जाओ, भैया जिम में आते ही होंगे। टीवी सीरियल में भी एक दिन का गैप होता है, भैया के यहाँ तो कोई गैप नहीं है। सुप्रिया तुम अभी तक बैठी हो, पापा गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने कहा था तुमसे शादी होगी तो मैं दुनिया घूमूंगी, पर ऐसे भागना पड़ेगा पता नहीं था। ओहो, अरे जल्दी उठिए। अरे बाबा लेट होंगे तो मारे जाएंगे। मरोगे तुम। पंडित गोपी कृष्ण शर्मा। यस सर। पंडित राम कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। पंडित राधा कृष्ण शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती निर्मला शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती गायत्री शर्मा। प्रेजेंट। श्रीमती सुप्रिया शर्मा। प्रेजेंट। सर ओके सर। अटेंशन प्लीज, कमिश्नर ऑफ पुलिस डॉक्टर पंडित जय कृष्ण शर्मा IPS BA MA MPhil PhD इज कमिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया, रात को फ्लाइट लेट हो गई थी इसीलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पर एक्सरसाइज के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो ये तोन क्यों है? शूटिंग नहीं है ना? शूटिंग किस बात की? डैडी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए शूटिंग करनी पड़ती है ना, वो है ना? बिल्कुल ठीक कहा बेटी, दरअसल इटली का माफिया पंडितों के डर से छुप गया है। वेरी गुड गोपी शर्मा, तुमने प्रूव कर दिया कि पंडित हर जगह शेर जैसे हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अच्छा वहाँ इटालियन पुलिस फंक्शन कैसे करती है? फंक्शन तो होते ही रहते हैं। क्या लगता है मेरा फंक्शन बंद होने वाला है? वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में मैं सबको बताना चाहता हूँ, पर अभी तक प्रेम नहीं आया ना। नहीं आया? प्रेम प्रताप सिंह। गुड मॉर्निंग बड़े भैया। ये टाइम तो जिम का है, तुम क्या कर रहे थे? घर में हमेशा AC चलता रहता है ना, तो ताजी हवा के लिए पार्क में गया था। कितने राउंड लगाए? वहाँ दौड़ने नहीं गया था भाई, नाश्ता करने गया था। वहाँ जानते हैं कौन मिला? जब जलेबी ली तो अमित जी मिले, जब कचौड़ी ली तो अभिषेक जी, और जब मिल्कशेक लिया तो उनकी बेबी। क्या बात है प्रेम, तुम तो 3 जनरेशन से मिल लिए हो, अब आगे मत बताना। इतना झूठ मत बोलो, अमिताभ बच्चन किसी प्रोग्राम के लिए अमेरिका गए हैं। अभिषेक बच्चन तो शूटिंग के लिए यूरोप गए हैं।
और आराध्या अपनी माँ के साथ कैंस गई है। मतलब सब जया जी को अकेला छोड़ गए, घर में चोर घुस आए तो? तुम उनके घर की चिंता मत करो, अपनी बताओ वजन कितना है? 62। ये तो होना चाहिए पापा, असली वजन कितना है वो बताइए। 102। कोलेस्ट्रॉल कितना है? वो तो आउट ऑफ कंट्रोल है। प्रेम प्रताप सिंह, सिर्फ गर्दन झुकाकर बताओ कि तुम्हारे पैंट की जिप कहाँ तक खुली है। मुश्किल है भैया, नहीं देख सकता। कितने दिनों से? ज्यादा नहीं, 10 सालों से। शट अप! हमारा होने वाला दामाद तुम्हारी ही शिकायतें करता रहता है, उसकी पूरी टीम में तुम ही फालतू आदमी हो। शर्म करो, सब तुम्हारी बुराई करते हैं। कैसे इंसान हो तुम, कोई फीलिंग नहीं है तुम में? आई एम फीलिंग हंग्री। व्हाट? मेरा दूसरा ब्रेकफास्ट खा लूं? और कोई काम नहीं है क्या खाने के अलावा? पुलिस ऑफिसर तन के रहता है एक भरी हुई बंदूक की तरह, तुम भरी हुई बोरी, भरी हुई ट्रक की तरह। मैं नॉर्मल हूँ। शट अप! गलती भी करते हो और गुस्सा भी करते हो। यूजलेस फेलो, शेमलेस फेलो, होपलेस फेलो, हार्टलेस फेलो, कचरे का डिब्बा। माँ। भैया। मर गया तुम्हारा भैया, ऐसे ढीले आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? ये तुम्हारा पति कहीं वॉचमैन की नौकरी नहीं कर सकता, उसे मैंने पुलिस में डाल दिया, पूरा डिपार्टमेंट गालियां दे रहा है। पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है ये, 10 मीटर दौड़कर धुआं निकल जाता है इसका। वो तो मेरे इन्फ्लुएंस से नौकरी मिल गई इसे। अब जरा मुंह तो देखो इसका, बंदर की तरह लटका हुआ है, पूरी बॉडी में झूठ भरा हुआ है, भुखमरा, हरामखोर, मोटा कहीं का, चटोरा, आलसी, गधा कहीं का, ये नहीं सुधरने वाला। ले जाओ इसको मेरे सामने से। लोग गोली से मरते हैं, मैं गाली से मर जाऊंगा। प्रेम प्रताप सिंह, जितना झूठ बोला है उसे पसीने से धो डालो, बंटी साथ रहेगा। बाहर जाकर नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर लगाओ। गिरी सर, काउंट करना। यस सर। नॉनस्टॉप ग्राउंड के 40 चक्कर? मैं कोई मुंबई पुणे बस हूँ क्या? मत मारी गई थी मेरी जो तुझसे शादी करके इस घर का दामाद बना। करेक्ट है बॉस, अगर हमारे दामाद नहीं होते तो कहीं भीख मांग रहे होते। इस तरह घूरने से अच्छा है परिवार के नियम को मान क्यों नहीं लेते। तो क्या तुम्हारी फैमिली राजाओं के नियमों को मानती है? सरनेम क्या है? शर्मा। इसका मतलब कि तुम लोग शर्माते हुए खानदान के हो, सबके सब भीगी बिल्ली हो। आखिर वो मेरी हाइट और मेरा वेट क्यों पूछ रहा है? मुझे सर पे उठा के नाचेगा क्या? इसकी वाट लगा दूंगा। ओजी, मेरे भाई को गाली क्यों दे रहे हो? ओहो, मैंने दी तो नाराज हो गई, जब उसने दी तो? मैंने रोका तो था। रोका? गाली कंप्लीट होने के बाद? ये उल्लू का पट्टा बाप की इज्जत उतरते हुए देखकर हंस रहा था, वो तो सांड की तरह सींग घुसेड़ कर चला गया। मैं जानता हूँ तू चाहती है कि मेरी हमेशा सबके सामने बेइज्जती हो। मैं पति हूँ या गधा? प्रताप सिंह, बड़े भैया, चक्कर लगाने की जगह पंचायत हो रही है। वो क्या है बड़े भैया, पुलिस वाला कैसा होना चाहिए ये सबको बता रहा था। ये तुम्हारे बस की बात नहीं, पहले एक अच्छा ऑफिसर बन के दिखाओ। What nonsense is this? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जब इतनी गलतियों के साथ ये शादी का कार्ड जाएगा तो क्या सोचेंगे सब लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग और कितने मिस्टेक करोगे। इतना सन्नाटा क्यों है? शादी के कार्ड को लेकर। क्यों, ठीक नहीं है? कार्ड तो अच्छा है, मामा पूछ रहे थे किसने छपाया। तुमने बताया नहीं? ये नहीं बताएगा। अब मैंने ही प्रिंटिंग का जिम्मा लिया था बड़े भैया। अच्छा, तो ये कारस्तानी तुम्हारी है? हाँ बड़े भैया, शब्द, कलर, कॉन्सेप्ट, जोड़ना हटाना सब मेरा है। मेरे नाम के आगे लगने वाला डॉक्टर कहाँ है इसमें, और डेजिग्नेशन भी मिसिंग है। मैंने हटवाया है बड़े भैया, डॉक्टर जय कृष्ण शर्मा, IPS BA MA FFFFFF, सेक्स स्पेशलिस्ट की जगह सिंपल सा जय कृष्ण शर्मा। होमली लगता है इसलिए बाकी कचरा मैंने हटा दिया। तुम कौन होते हो उसे हटाने वाले? मेरे स्वर्गीय पिता अमर शर्मा जी ने बिना अपने खाने पीने की परवाह किए साइकिल पर दूध बेच बेच कर पढ़ाया लिखाया है मुझे, तुम क्या समझोगे? दूसरों के सहारे पर जीने वाले काम के नकाज के थाईमन अनाज के हरामखोर कामचोर हो तुम। भैया। क्या भैया? भैया, दिल पर पत्थर रख के इस इंटरमीडिएट फेल इडियट को यहाँ लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिसे डिग्री की स्पेलिंग तक नहीं आती, वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। पता नहीं किस दिन ये मेरे पाले पड़ा था, मेरी तो किस्मत खराब है, जो इस तरह का नाला है मेरी जिंदगी में आ गया। पता नहीं कब पिता छुटेगा इसे, शर्म नहीं आती, हराम खो रही है। ये तो पियून की नौकरी करने के लायक नहीं है, पियून की नौकरी भी। हट। तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। पर किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। छी। माँ। भैया। क्या भैया? भैया, खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है पर दिमाग में भूसा पहुंचता है, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको, ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजे, कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे।
मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है। डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। ए, अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा। खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी, इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा, अरे क्या सोचा, अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ए! ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है और ये कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है, थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या, बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो, क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट, उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट दे दी। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता हूं। अब जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए। एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर है। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है, मंजूर है, मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स, रिलैक्स। जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। बेशरम, पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह, सिंह 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 सिंह, स्वागतम, सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो? तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना, आप इस वक्त सपना देख रहे हैं। ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम,
इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन? पता है, इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा, यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम है, ड्रीम प्रोजेक्ट। तो नेक काम में देरी किस लिए? विजयी भव। चिल्ला मत बे। इसकी और इसकी डिसिप्लिन की तो प्रेम प्रताप, तुम्हें भागते हुए आना चाहिए, हीरो की तरह चले आ रहे हो, ये टाइम देखो। गला फाड़ के चिल्ला मत, घड़ी उतार के फेंक दे, मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। प्रेम प्रताप सिंह। जय कृष्ण शर्मा। हाय तुम्हारा लैंग्वेज देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो। बदल गया, तेरी वजह से बदल गया। भूख लगने पर किचन और प्यास लगने पर बाहर की ओर देखने वाला इंसान था मैं। इस घर में तरसाया है तूने, खाने के लिए, दारू के लिए, आंखों की नींद हराम कर दी है मेरी। मेरी आंखें जल रही हैं, अगर किसी ने रोका तो मैं जला के राख कर दूंगा। सुन बे साले, तू दादागिरी कर या लड़ाई कर, गुंडे लेकर आ या तोप लेकर आ, अकेले आ या पूरी पलटन लेकर आ, इस प्रेम प्रताप सिंह को छुआ भी ना तो पीस दूंगा चटनी की तरह। अकल नहीं है क्या भैया के साथ? ऊंची मेरी बहन को मारा, तुझे भी मारूंगा, तुझे मारूंगा, भी मारूंगा, डालूंगा, घोंपते रहना, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तुम्हारे। मेरी पोजीशन देख, अपनी देख। सपने में भी कोई लड़ता है चाचा? मैं सपने में इसी के लिए तो आया था। अरे आप तो सीधे क्लाइमैक्स पर पहुंच गए, शो तो एंजॉय कीजिए, जाइए जाकर पीजिए। मैं दिन में कहाँ पीता हूँ? अरे सपने में दिन रात नहीं होता। अरे हाँ सुन बे साले, उसकी हिम्मत देखी, कुत्ते जैसी हरकत की है उसने। मुझे भी उनसे डर लग रहा है भैया। डरने की कोई बात नहीं, उसने अचानक ऐसी बेहुदा हरकत की और तुम कहते हो डरने की बात ही नहीं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे पेशेंट को मैं फेस कर चुका हूँ, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है क्या? अगर ऐसा डोमिनेशन रहा तो सप्रेशन की वजह से डिप्रेशन होगा और फिर कमोशन से रेवोल्यूशन तैयार हो जाएगा। हफ्ते भर तक बिना ध्यान दिए इन्हें अपने हाल पर छोड़ दीजिए, ठीक हो जाएंगे। अगर ना छोड़े तो आपकी खैर नहीं, पागल होकर गला काट लेंगे। ऐसी खतरनाक बीमारी कैसे लग गई उसे? डोमिनेशन सर, अगर किसी को हमेशा डांटते हाँ। रहेंगे तो ऐसा ही होगा ना। हाँ भैया, आपके डोमिनेशन में मैं भी सप्रेशन में रहता हूँ। हाँ सही कहा जी, मैं भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हूँ। हाँ भैया, मुझे भी थोड़ा कमोशन फील होता है। मुझे भी रेवोल्यूशन करने की इच्छा होती है। हाँ डैडी, आप सुबह सुबह हमें गेंद बनाकर हमसे खेलने लगते हैं। बंद करो अपना ये गेंद का खेल, मैं समझ गया हूँ कि मेरी डिसिप्लिन को तुम लोग डोमिनेशन मानकर डर गए हो। अच्छा ठीक है, आज से जानकी की शादी होने तक आप लोग जैसे रहना चाहें वैसे रह सकते हैं। उसके बाद मीटिंग बुलाकर रूल्स को कुछ आसान बना लेंगे। अगर कुछ दिन और ऐसा चलता तो सब पागल हो गए होते। जरा सुनो रामराज, शादी होने तक प्रेम प्रताप को तुम जरा संभाल लो। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक यू राम। अरे वाह 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 वाह, क्या डायलॉग मारा है। यकीन मानिए आपके साले की पैंट गीली हो गई होगी। क्यों रे? ये बताओ राम, मेरी जागने के बाद वो सब भूल जाएगा ना, वरना गोली मार देगा। अरे ये क्या कह रहे हैं आप चाचा, दिमाग खराब हो गया आपका? आपका सपना उन्हें कैसे याद रहेगा? नया है, कंफ्यूज हो गया। करेक्ट राम, मेरी पर्सनल लाइफ तो तुम्हारी वजह से बन गई। और प्रोफेशनल लाइफ का क्या? उसका क्या बताओ, परेशान हूँ। घर में बड़े भैया भौंकते हैं, ऑफिस में आदेश काटता है। अरे आदेश से मुझे याद आ गया, आपके साले ने आदेश की फैमिली को कल नाश्ते में बुलाया है। राम ये डिसीजन साला कैसे ले सकता है, ये सपना मेरा है। लेकिन ये डिसीजन लेने वाले वो नहीं है। फिर कौन है? सोता हुआ प्रेम प्रताप सिंह, ये उसका थॉट है जो ये सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अब समझा मैं, जैसे मैंने साले साहब की क्लास ली थी वैसे ही आदेश की भी बैंड बजाऊंगा। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की गई है। निशाने पे तीर मारा है काका। इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल, साइकोलॉजिकल और माइथोलॉजिकल लाइफ में हर जगह नंबर वन हो जाएंगे। आप अपने सपने के बादशाह बन जाएंगे, यही उस प्रेम प्रताप की ख्वाहिश थी। यस आई एम बादशाह, वही जंग शुरू करता है और खत्म भी। भाई साहब ये खाना कोई मामूली खाना नहीं है, ये तो 5 स्टार से भी बढ़िया खाना है। ये खाएगा तो मेरे जैसा हो जाएगा। प्रेम प्रताप। क्या प्रेम प्रताप, क्या है रे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? अरे भाई साहब इन्होंने तो सुबह सुबह शुरू कर दी। ऐसा नहीं है समली जी, ये शादी होने तक मस्ती करने के लिए मैंने ही परमिशन दी है। है कौन तू परमिशन देने वाला? ढोलक, घोचू, गेंडे, दिस इज माय लाइफ, मेरी पसंद, मेरी ताकत, मेरी खुशी। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए ऐसा है। क्या फर्स्ट टाइम? 20 साल से मैं डे एंड नाइट पी रहा हूँ, मेरी जूती भी पीती है। क्यों घूर रहा है वे?
तुझे चखनी है क्या? बिना चखने के इस गधे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। रामराज। राम क्या देगा बाबा जी का ठुल्लू? हाँ सर, मुझे लगता है इसे तुम ही मैनेज कर सकते हो, जरा संभालो। श्योर सर, मैं देखता हूँ। गुरु जी, कैसे है तू? उन्हें बहुत बुरा लगा। तू उसकी साइड में कि मेरी? मेरी खातिर देगा? मेरा हमजोली बाहों की डोली में लेके जा रहा है, इसलिए जा रहा हूँ। सॉरी समधी जी, आदेश, साधु भाई के लोग शहर में आ चुके हैं, वो जरूर कुछ न कुछ करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आई है। अगर ऐसा है तो बादशाह हमारे चंगुल से दूर नहीं। बादशाह तुम्हारे सामने बैठा है। What? Yes, बादशाह तुम्हारी आंखों के सामने है, ये है बादशाह। Yes, मैं हूँ बादशाह। हम ही जंग शुरू और खत्म करते हैं, बाकी सब घास चरते हैं। सॉरी आदेश, okay. तुम इसकी बात छोड़ो, बस इस पर फोकस करो कि साधु के लोग कहाँ हैं। श्योर सर, आज से मैं और मेरी टीम यही करेंगे। इसकी T20 की टीम है क्या?